श्रीलंकन टीम सकारात्मक सोच रखती है और हमने दुनिया को यही दिखाना चाहा। ये शब्द थे भानुका राजपक्से के, जो कि मैन ऑफ द मैच थे। और श्रीलंका की जीत के बाद उन्होंने रवि शास्त्री से पोस्ट मैच सेरेमनी में बात करते हुए ये कहा, एक देश जो लंबे वक्त से आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा हो, उसके लिए ये जीत काफी मायने रखती है। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराया। टीम 2014 के बाद इस मेगा टूर्नामेंट की चैंपियन बनी है। ये श्रीलंका का छठा टाइटल है। श्रीलंका ने सबसे पहले 1986 में एशिया कप जीता था। इसके बाद 1997, 2004, 2008, 2014 और अब 2022 में टाइटल अपने नाम कर लिया है। भारत ने सबसे ज्यादा 7 बार ये खिताब जीता है और श्रीलंका अब उससे बस एक खिताब दूर है। खास बात यह है कि अप्रैल 2014 के बाद पहली बार हुआ है जब श्रीलंका ने लगातार 5 T20 इंटरनेशनल्स जीते हों। फाइनल में टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ गईं, लेकिन फाइनल में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। बता दें, इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए थे। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 147 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट प्रमोद मधुशान ने लिए, वहीं वनिंदु हसरंगा को 3 सफलताएं मिली। ये तीनों विकेट 17वें ओवर में आए और यही ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। हसरंगा ने रिजवान को 55 पर आउट किया, आसिफ अली को 0 पर और खुशदिल शाह को 2 रन पर। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 55 रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए। वहीं श्रीलंका की ओर से भानुका राजपक्षे ने 45 गेंदों पर 71 रनों की अहम पारी खेली। हसरंगा ने सिर्फ 21 गेंदों पर शानदार 36 रन बना दिए। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट हारिस राउफ ने लिए, वहीं शादाब खान, नसीम शाह और इफ्तिकार अहमद को 1-1 विकेट मिला। बता दें, 1986 में एशिया कप के दूसरे संस्करण का फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने बाजी मारकर खिताब जीता था। साल 2000 में दूसरी बार एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस बार पाकिस्तान ने पिछली फाइनल की हार का बदला लिया और 39 रनों से जीतकर खिताब अपने नाम किया। ये पाकिस्तान का पहला एशिया कप था। साल 2014 में तीसरी बार एशिया कप फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया। इसमें श्रीलंका ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी।